बैठक लगा करके तैयारी कर चुके हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान होंगे और आज से नीतीश कुमार का दोस्त होना शुरू हो गया है। एकदम बोलेंगे मुख्यमंत्री, सभी बहन माता बहन हम सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे। क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के द्वारा मुझे फोन कर इस बात का आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि भाई आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है। उस बड़े मंत्री ने, मैं टॉप 5 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा, उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री को मेरे सामने फोन किया। उस वक्त एक सांसद भी वहां पर मौजूद है। अगर इस बात को, अगर आपको कभी अगर जरूरत पड़ी इस बात को प्रूव करने की, तो एक और सांसद वहां पे मौजूद थे, उनके सामने एक और बड़े मंत्री को फोन किया गया। क्यों उस बड़े मंत्री ने उस वक्त फोन पे नहीं कहा कि नहीं नहीं आपको घर खाली करने की जरूरत। चिराग पासवान है, जिस तरीके से दिल्ली में आपके बंगले को खाली किया गया, उसको लेकर क्या कहें भाई? उसको लेकर कहना क्या, चिराग हूँ, चिराग का अपना कोई ठिकाना वैसे भी नहीं होता। चिराग जहाँ जाता है वहाँ रोशनी देता है, और चिराग की खूबी देखिए, अपने तले अंधेरा करके दूसरों को रोशन करने का लक्ष्य रखता है। मैंने भी भाई, मुझे अगर खुद को रोशन करना होता तो मेरे लिए बहुत आसान था। मुझे मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक होना था और उसके बाद मुझे बंगला भी दिया जाता, मेरे परिवार को भी नहीं तोड़ा जाता, मेरी पार्टी को भी नहीं तोड़ा जाता, संभवतः आज मैं केंद्रीय मंत्री होता। भाई 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, इतनी राजनीति समझता हूँ, मूर्ख बेवकूफ़ नहीं हूँ। 2020 में जब मैंने फैसला लिया, मुझे पता था ये कठिनाइयाँ मेरे सामने आएंगी और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ही मैं आगे बढ़ा। 12 जनपद का मुझे कोई मोह नहीं है भैया, मोह होता तो मैं ये फैसला नहीं लेता। दुख मुझे इस बात का है भाई, मैं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार कानून का सम्मान करता है। दुख मुझे इस बात का है कि 29 तारीख की रात को तो मैं तैयार था। अगर उस रात के विजुअल्स, या अगर उस रात, पता नहीं आप लोगों को भनक थी नहीं थी, पर अगर आप में से कोई भी कैमरा उस रात होता तो उस रात मेरे घर के सामने आपको ट्रक दिख जाते, उस रात मेरा घर का सामान पैक हो रहा हुआ आपको दिख जाता। सब सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी, बल्कि मैं पिछले 10 दिन से वो तैयारी कर रहा था। क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के द्वारा मुझे फ़ोन कर इस बात का आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि भाई आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। उस बड़े मंत्री ने, मैं टॉप 5 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा, उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री को मेरे सामने फ़ोन किया। उस वक्त एक सांसद भी वहाँ पर मौजूद है। अगर इस बात को, अगर आपको कभी अगर ज़रूरत पड़ी इस बात को प्रूव करने की, तो एक और सांसद वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने एक और बड़े मंत्री को फ़ोन किया गया। क्यों उस बड़े मंत्री ने उस वक्त फ़ोन पे नहीं कहा कि नहीं नहीं आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है? क्यों मुझे ये वादा करके भेजा गया और अगले दिन इस तरीके से बेइज्जत? मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है भैया, बहुत सम्मानजनक तरीके से मैं अपने परिवार के साथ अगले दिन भी निकला, पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को फेंका गया, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ज़मीन पर पटका गया, जिस तरीके से मेरे माता पिता के बिस्तर पर उनके अधिकारियों के द्वारा जूते पहनकर, चप्पल पहनकर, जिस बिस्तर पर मेरे पिता ने अपनी अंतिम सांस ली उसको जिस तरीके से जूतों के द्वारा रौंदा गया, इन तमाम बातों का दुख है मुझे। दुख भी है, आक्रोश भी है कि क्यों, जब हम लोग आराम से जा रहे थे तो क्यों इस तरीके का बर्ताव किया गया। एक आखिरी सवाल है, आपके छोटे भाई का दर्द तेजस्वी यादव का आपके लिए छलका है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कहते थे कि वो हनुमान है मोदी के, लेकिन पीएम मोदी ने, बीजेपी ने क्या किया, उनके घर में ही सबसे पहले आग लगाई, अब रामविलास पासवान का बंगला छीन लिया, चाहते क्या हैं वो लोग? एक दर्द था भाई का। भाई मुझे भी नहीं पता इस तरीके से धोखा देने की साजिश क्यों रची गई। मैं तो भाई अपनी बड़ी लड़ाई पे लड़ रहा हूँ ना, और मैं आज भी लड़ूंगा और मैं भविष्य में भी लड़ता रहूँगा। मेरी लड़ाई मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, मैं उस लड़ाई को कहीं धूमिल नहीं होने दूंगा। पर मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस तरीके से धोखा, भाई जिस व्यक्ति को आपने इस साल पद्म भूषण दिया, उसी की बीवी, उसी के बच्चे को आपने इस तरीके से निकाला, कारण क्या था ये मेरी भी समझ में नहीं आया। पर जैसा मैंने कहा, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अगर कोई ये सोचता है कि चिराग पासवान को डरा कर, धमका कर, घर से निकाल कर, परिवार को तोड़कर, पार्टी छीन कर तोड़ लेगा, तो मैं टूटने वाला नहीं हूँ, दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, शेर का बेटा हूँ। और अगर कोई मेरे चेहरे पर शिकन देखना चाहता है, तो भैया जितना मुझे प्रताड़ित करेंगे मेरा चेहरा और निखरता जाएगा, निखार बढ़ेगा, कमज़ोर नहीं होगा, निखार बढ़ेगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर
तिलक लगा करके तैयारी कर चुके हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या दड्डी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान होंगे और आज से नीतीश कुमार का दोस्त होना शुरू हो गया है, एकदम बनेंगे मुख्यमंत्री। सभी बहन माता बहन हम सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे कि जो लोजपा रामविलास की महिला कार्यकर्ता हैं वो यही कह रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। और साथ ही हमसे बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आखिर क्यों उन्हें धोखा दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।